आज पीपलसाना कैंप कार्यालय पर मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर जिला कारागार मुरादाबाद व संभावित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड 51 मुरादाबाद ने सादगी के साथ भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर मोहम्मद इदरीस ने कहा, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सिपाही के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सदैव हम देश के साथ हैं। आज जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मशवरे से लिया है, जनहित में है। इस अवसर पर मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनपद मुरादाबाद व देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी को हम सभी मिलकर हरा देंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपने अपने घरों में रहें व सरकार के हर निर्णय में साथ देते हुए सरकार के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी परिवार के सदस्य को या आस पड़ोसी को ये बीमारी ना हो। इसमें सावधानी ही बचाव है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि आज जो शासन प्रशासन के लोग हम सभी की दिन रात मेहनत कर सुरक्षा कर रहे हैं, हम सभी की जान बचाने हेतु सार्थक प्रयास कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इसलिए अपने अपने घरों में रहो और ऐसे लोगों का हौसला अफजाई करते रहो जो दिन रात आपके जीवन को बचाने हेतु अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के कर्मचारी हो, वो सभी इस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर हम सबका जीवन सुरक्षित रखने हेतु अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं और दुआ करता हूं कि ये जज्बा सभी देशवासियों में हो। इस अवसर पर नईम अहमद, जैनुल आबेदीन, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आतिफ आदि उपस्थित रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि ये समय बढ़ाया है 3 मई के लिए, इसमें सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से राह लेकर और उसका देश में पालन करने के लिए बढ़ाया गया है। क्यों कि अभी हमारे जैसे कि डॉक्टरों ने और जो हमारे जो लोग इसको देख रहे हैं, सब ने जो अपनी राह रखी है वो राय यही रखी है कि किसी भी सूरत से समय अगर बढ़ाया जाएगा तभी हम कोरोना से इस मरज से जो है जंग जीत पाएंगे। इसलिए 3 मई तक हम सभी भाइयों को सभी को इसका जो है पालन करना चाहिए और उस पर बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। क्योंकि जैसे कि ये मरज है, ये सिर्फ हमारे सुरक्षा जितनी हमने इसकी कर ली, जितने अपने घर में रह लिए, इतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहना अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने सभी भाइयों के लिए ज़रूरी है और हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें और सभी इस आदेशों का पालन करें। कानून हमारे देश का जिस तरह से हम सब पे लागू होता है, इसीलिए हमारे पूरे पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं पूरे क्षेत्र में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना घर बार छोड़कर रात दिन मेहनत से आपकी सुरक्षा में लगे हैं। पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अपना वो कर्तव्य निभा रहा है जो तारीफ काबिल है। इसलिए हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस कप्तान साहब जो इसमें पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर जो अपना जो है कर्तव्य निभा रहे हैं, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में सभी ध्यान रखें और आपस में भाईचारा बनाकर सब भेदभाव बुलाकर इस समय को अपना जो है काटें और अपने भाइयों से सभी से जो है सुरक्षा के लिए एक दूसरे के लिए कहें। और जो किसान हैं हमारे, मैं देखा है किसानों के लिए कि उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस परेशानी ये जो है कुछ दिन के लिए है, परेशानी हमेशा नहीं रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने भाई जिस तरह से भी काम चले, वो अपना किसान भाई सभी काम चलाएं, क्योंकि इस समय ये सबसे बड़ा खेती का हमारा किसानों का जो है काम था और इसी समय ये हो गया। इसलिए मजदूर भी खेती पर जाने के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से कृषक स्वयं खुद अपने आप जो है काम कर रहे हैं। मैं भी एक कृषक परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि अपने सभी भाइयों का आपस में ख्याल रखकर और ये जो है इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें और अपने सभी अधिकारियों की जो भी निर्देश हों, जो सरकारों के निर्देश हों, उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है और हमें जो है उसी पर चलना चाहिए। ठीक।